नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम जो कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है मैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है और जो कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और इस कंपनी में 5000 करोड़ के मार्केट कैप है, 112 का भाव चल रहा है अभी और 16 का पी है, मतलब ये अंडर वैल्यूड है। 29 का बी बुक वैल्यू है, आरओसी 33 का, आरओई 26 का। FIS ने इसमें अपनी पोजीशन बढ़ाई है 0.03% से, और DIS ने मेंटेन है, प्रमोटर का भी मेंटेन है, डिविडेंड 1% के पास में है। EPS की ग्रोथ 3 साल की 338%, सेल्स की 92% और प्रॉफिट की 238%। जब तक ये मोदी सरकार है तब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर बूम रहेगा, नितिन गडकरी का इसके पीछे हाथ है। और आप इस कंपनी को 4000 करोड़ की कंपनी, 8000 करोड़ की जब बनेगी तो 112 का भाव 1012 पे जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करना, ये एक फंडामेंटल कंपनी है, स्ट्रांग कंपनी। देख सकते चार्ट 3 साल का, ये जो है 2020 में इसमें 21 और 14 का इसका भाव था, वहाँ पर आप ये वॉल्यूम देख सकते हैं। इस वॉल्यूम के हिसाब से ये जो शेयर 120 तक गया था जनवरी 2022 में, फिर इसमें गिरावट आई थी मार्च 2023 तक। अभी जो निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई पे है तो ये कंपनी अप ट्रेंड दिखा रही है। इसमें फिलहाल अभी इस कंपनी रेडार पे आने का कारण है जो ये आप देख सकते हैं। जब तक डाउन ट्रेंड में था उस समय वॉल्यूम बिल्कुल कम थे, लेकिन अब जैसे ये अप ट्रेंड में है, हाई वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग आ रही है, 200 DEMO और 50 DEMO के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। इसका जो RSI है वो 80 के ऊपर है, जिसकी वजह से ये कंपनी में का शेयर प्राइस अप ट्रेंड रहेगा आगे जाके कुछ दिनों तक। कॉन्स देख सकते हैं तो कुछ भी नहीं है, प्रोस देखे तो रिड्यूसिंग डेप्ट है, गुड क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, और प्रॉफिट की जो CAGR है वो 31% का है 5 साल का, और जो मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे 40% का है। और कंपनी का जो आप PS देखें तो मैक्रोटेक डेवलपर, रेल विकास, नेशनल स्टैंडर्ड, PNC इंफ्राटेक और महिंद्रा लाइव, ऐसे कुछ कंपनीज है। लेकिन अगर आप इस कंपनी का PEG रेशो देखें तो 0.51% है, जिसकी वजह से जो मीडियम PE है पूरे कंस्ट्रक्शन कंपनीज का वो भी 0.51% ही है। अभी सेल्स देखें तो मार्च 2022 की सेल 266 करोड़ था, अभी वो बढ़ के 680 करोड़ हो गया है। पैट देखे इसका तो 41 करोड़ से 92 करोड़ हो गया है। EPS देखे 1 का था वो 2 का हो गया है, मार्जिन 21 का 18 का है। और सेल्स अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो 900 करोड़ 22 में थी और 23 में हो गए 1800 करोड़, और जो इसका पैट है वो 300 करोड़ से 400 करोड़ हो गया है, और EPS 5 से बढ़कर 6.5 हो गया है। अगर आप इस कंपनी में बोरोइंग्स देखें तो 500 करोड़ की बोरोइंग्स थी जो कम होके 200 करोड़ हो गए, इसका मतलब कंपनी जो कर्जा है कम कर रही है। तो रिजर्व वो देखें तो 700 करोड़ से बढ़ के 1000 करोड़ हो गए हैं। अभी हम इस कंपनी के नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो धंधे से आ रहा है वो 448 करोड़ का है। अभी इसके FIS देखें तो FIS कंटिन्यूसली इसमें बाइंग करते जा रहे हैं और DIS का कम भरोसा मेंटेन है। और अगर हम रिसेंटली देखें तो इसमें जो इस हिसाब से आप देखें, रिसेंटली इसमें एक बल्क डील हुई थी, और अगर आप चार्ट के हिसाब से देखें तो कंटिन्यूसली ये कंपनी अपने जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेकआउट दे रहा है। तो आप इस कंपनी में निवेश करके चल सकते हो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।